भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री एडवोकेट सुरेश कांडपाल व कपकोट के वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश जोशी ने कपकोट लोक निर्माण विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा जिला महामंत्री ने कपकोट लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार की योजनाओं को संचालित करने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। सुरेश कांडपाल व गिरीश जोशी के आरोपों के बाद यहां प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि कई बार सूचित करने के बाद भी लोक निर्माण विभाग की कपकोट इकाई जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जनहित के कार्यों में लापरवाही बढ़ती गई तो आंदोलन किया जाएगा। अभी हमने माननीय अपने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें नगर पंचायत अंतर्गत जो आंतरिक मार्ग हैं वो वर्तमान में बहुत खस्ताहाल स्थिति में है, जिनको देखरेख करने वाला कोई रहा नहीं। जिस प्रकार से भराड़ी कपकोट पुल बाजार को जोड़ने वाला जो पैदल मार्ग है वो वर्तमान में पिछले 6 महीने से लगातार हम उसकी चिंता कर रहे हैं, लगातार विभाग को नगर पंचायत कपकोट को बराबर सूचना दे रहे हैं। इसके बावजूद बरसात अभी अपने चरम में नहीं है, लेकिन रास्ते अपने पूर्ण खस्ताहाल स्थिति में है। और वहीं सभी वार्डों के अंतर्गत बहने वाले नालों के कोई रोकथाम के लिए या उनके द्वारा उस नालों के द्वारा जो लोगों के आवासीय भवनों को खतरा बना है या जो खेतीबाड़ी जो नुकसान हो रही उसके लिए विगत 2 सालों से नगर पंचायत के द्वारा 1 रुपये का भी काम उन क्षेत्रों में किया गया नहीं, जिसके लिए चिंता का विषय था। आज हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और इस संबंध में अगर समय रहते जो मार्ग खस्ताहाल स्थिति में है, भराड़ी पुल बाजार जोड़ने वाला मार्ग और कपकोट के अंतर्गत सभी वार्डों के जो अपने लिंक मार्ग हैं, अगर उनको समय पर बरसात से पहले सुधार स्थिति में लाया नहीं जाता तो इसके लिए हम नगर पंचायत के विरोध में और संबंधित जो संस्था या संबंधित व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरी ये समस्या है, एक तो कपकोट जो लोक निर्माण विभाग का जो कार्यालय है, मैं अधिशासी अभियंता महोदय के पास कई बार आया कि इन्होंने पिछले बार से एक उदाहरण के लिए एक फरसाली की जो रोड है उस रोड को पिछले बार खनन के लिए कुछ लोगों ने उस रोड को काट दिया था। उसके बाद उसमें पिडवल्डी के पास 10 बार लोक निर्माण विभाग के पास 10 बार आया और मैंने इनसे निवेदन किया है कि भैया उस रोड कट गई है और यहाँ के अधिशासी अभियंता और मैं सीधे ये आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के जो अभियंता हैं इन लोगों ने उनसे मिलकर उससे मिली भगत करके आज तक वो रोड नहीं बनी है, उसमें 1-8 बार गाड़ियाँ गिर चुकी हैं। दूसरा, लोक निर्माण विभाग के बारे में आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं और माननीय विधायक जी के द्वारा जो क्षेत्र के अंदर कार्य किए जा रहे हैं उनको उन योजनाओं को जब माननीय विधायक जी के द्वारा कहा जा रहा है तो इनके द्वारा सीधे हाँ कहने के बाद भी कार्य नहीं करते हैं, जिससे सरकार की जो सरकार ने जनकल्याणकारी योजना सरकार ने चला रखी है सीधे जनता तक तो उसका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। दूसरा क्या है कि इनके द्वारा इन्होंने जो सरकार के खिलाफ ये जो काम कर रहे ये जितने भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं लोक निर्माण विभाग के, ये सीधे ठेकेदारों से मिलकर 50% की साझेदारी के आधार पर उनके साथ काम कर रहे हैं। ये मैं आपको एक जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ और मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार तक माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये पहुँचे कि भैया जिस तरह से जो लोक निर्माण विभाग के लोग जो यहाँ पर बैठकर अधिकारी यहाँ पर बैठकर जो अभियंता यहाँ पर बैठकर ये काम कर रहे हैं ये सरासर सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी यहाँ छोटे छोटे सिलेक्शन बॉन्ड किए जा रहे हैं और छोटे छोटे जो कार्य ठेकेदारों को दिया जा रहा है उनमें भी ये लोग स्वयं अगर उसके भागीदार हैं उसमें इनकी पार्टनरशिप है तो रोड की स्थिति क्या होगी। और यहाँ जब भी आप अगर बैठे कि अधिशासी अभियंता जो यहाँ बैठे उनसे कहें कि साहब रोड यहाँ बंद है या उधर बंद है तो ये कहते हैं साहब ये नीचे के कर्मचारी मेरी मान ही नहीं रहे। अगर कर्मचारी आपके नहीं मानते हैं तो आपको इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आप अधिशासी अभियंता कहलाने लायक कोई अधिकार नहीं रखते, इसलिए आप तुरंत आपसे निवेदन है कि आप उस पद की अगर गरिमा को नहीं बना सकते हैं तो सरकार को धोखा मत दीजिए और इस टाइप के काम को करने के लिए जनता को परेशान करने के लिए आप जिस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाली आपदा आने वाली है, आपके कहीं रोड नहीं खुले हैं, ये इनके पास जेसीबी मशीनों का इन्हें टेंडर दे दिया लेकिन फिर भी उन्होंने काम अभी शुरू नहीं कर रखा है। हमारे 10 दिन से क्षेत्र की जनता रो रही है तो आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर इन्होंने कार्य शुरू नहीं किया तो कहीं ना कहीं मुझे इनको ज्ञापन देने के बाद इनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, इनके खिलाफ आंदोलन में बैठना पड़ेगा। इसमें एक तो इनके समस्या थी कि रोड में जो कटान का कार्य किया गया है तो वहाँ पर ये हो रहा है कि जो पानी वगैरह है इकट्ठा होकर के एक ही जगह पर चला जा रहा है, तो उसके लिए हमें ये बोला है कि कल जा करके और हमारी जेसीबी आएगी और वहाँ पर जो भी पानी की अलग अलग जगह पर उसको डाइवर्ट करते हुए अलग अलग कर देंगे ताकि पानी एक ही जगह पर कंसंट्रेट होकर के न जाए, ताकि नीचे जो पानी एक ही जगह पर जा रहा खतरा वगैरह हो रहा तो उसको कम से कम किया जा सके।
नहीं उसमें चूंकि उस रोड पर कोई परमानेंट गैंग है नहीं, इसलिए वहाँ पर कि कोई नहीं भेजा जा रहा है, और जो कार्य कराया जाता है तो बरसात चूँकि प्रारंभ हो गया है और बरसात से अलग अलग जगहों में बहुत सारा ढेर सारा मलबा आ गया है, तो उसके लिए हम लोग जेसीबी से भेज करके उसको साफ करवाते हैं। बरसात के टाइम में कभी और आपके पास अभी बहुत सी ऐसी समस्याएं आएंगी, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? नहीं, बरसात के लिए यहाँ पर हमने 3 जेसीबी प्राइवेट जेसीबी हमने हायर कर रखी है और 2 जेसीबी सरकारी जेसीबी है, उससे हम लोग 5 जेसीबी से हम लोग काम चलाते हैं। सर सड़कें भी अभी सड़कों की हालत में मैं खुद देख रहा हूँ, ये चैनल के माध्यम से देखा और खुद ही मैंने खुद देखा, चाहिए जो कपूर की मुख्य रोड है ये भी इसमें भी काफ़ी कमियाँ नज़र आ रही हैं, तो इसके लिए बताइए। इसमें ये कहा गया कि हम लोग निविदा आमंत्रित तो 2-2 बार किए जा चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कंट्रेक्टर उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उसका रिन्यूअल का कार्य दोबारा हम लोग टेंडर लगा रखे हैं जो कि 9 तारीख को खोला जाना है, तो उसके बाद कंट्रेक्टर जब आ जाता है तो फिर हम लोग रिन्यूअल में उसको सही कराएंगे। CCN न्यूज़ के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।